तो ये बताओ आदिमानव कपड़े कहाँ से खरीदते थे? नंबर एक अमेजोन, नंबर दो फ्लिपकार्ट, नंबर तीन सलील, नहीं सलील नहीं भाई, नंबर तीन गूगल, नंबर चार मंसूरपुर का बाजार। सर फ्लिपकार्ट से खरीदते होगे? उस जमाने में तेरे बाप ने चला रखा था फ्लिपकार्ट, तू बता बे। अजी अमेजोन से खरीदते होगे? सारे उल्लू फंस गए, तेरे मुंह डंडा चढ़ा दूंगा अभी, कोई और सही बता सकेगा तुम्हारे में से? चल तो बता। अजय मंसूरपुर के बाजार से खरीदते थे, उस टाइम कहीं और बाजार था कहाँ? गांधी के जमाने का तू है भाई, सारे सवाल करेक्ट दे रहा। मास्टर जी आप ज्यादा कुछ पढ़े लिखे लग रहे हो, अपनी डिग्री का नाम बताओ। मैं अभी आपको अपनी डिग्री के बारे में अभी समझाऊंगा, आप इतने अपने बच्चे का नाम बताओ और अपना। ताऊ जी कौन सी क्लास में एडमिशन करना है बताओ? जिसका दसवीं में करना जी एडमिशन। अच्छा दसवीं में करना है जी, दसवीं का यह दसवीं नाम बताओ ताऊ जी इसका। जिसका नाम जी छोटू हवा। ताऊ जी आपका नाम? जी मेरा नाम है लल्लन बिहारी। इनकी माता का नाम बताओ जी। रुखसाना। वो एक्चुअली घर वाली है जी? नहीं जी मेरी घर वाली है। अच्छा। अपनी डिग्री के बारे में तो बताओ, कौन सी डिग्री है आपके पास? चलो मैं आपको अपनी डिग्री के बारे में समझाता हूँ। चलो देखो ताऊ जी, ये देख रहा आपको बोर्ड? हाँ जी। इस पे हमारी डिग्री का नाम ही है, देखो। बताओ जी। KKHP। जी वो कौन सी डिग्री जरा KKHP हमें भी तो बताओ। ताऊ जी इसका मतलब ये हुआ कैसे खींच, एच से हाई स्कूल, पी से पास, खींच कर हाई स्कूल पास। होगी जी कोई डिग्री हमें तो पता नहीं जी, हम तो बहुत जवान के बुड्ढे जी। ठीक है ताऊ जी, कल को अपने लड़के को कॉलेज में भेज दियो। ठीक है जी। ठीक। सुअर ने नाक में दम कर रखा उत्तों के जनों ने। अरे ये सुअर अब तक सो रहा, सुअर उठ जा और देख ले स्कूल का टाइम, देख लो ते स्कूल नहीं मरना तुझे। अभी तो स्कूल का टाइम भी ना होगा। ले बका अब सुअर घंटे की तरफ तो देख लो ते, रात भर लोग ये के नाच देखा है तू, सुबह तेरे को उठाना जाता जल्दी स्कूल जाने को, मर जा स्कूल जा। अम्मा नाश्ता ला दो। लेसन फोर को पहले नाश्ता दे दो। अम्मा कुछ और डालो प्लीज। फीस? उतने तरह का फीस ना लाई ये खा के स्कूल मर के चल। अम्मा प्लीज मेरे को पॉकेट मनी दो ना। पॉकेट मनी? अम्मा क्यों पॉकेट मनी का नहीं पता? पॉकेट मनी होती है जेब खर्चा। तुझे बार कहा मेरे से इंग्लिश और बंदे का सुअर, मैं सरकारी स्कूल में डाल दूंगी तुझे उत्ते, और चल तेरा बाप पढ़ा खेत में सुनिए कर जा रहा है, चल चल। अरे तू रुकते जा देख तो ले जा सुअर। कहाँ जा रहा भाई? कहाँ जा रहा यार? स्कूल जा रहा। अरे छोल लग गई, छोल ले। हाँ एक में छोल ले। चलते बेटे स्कूल। हाँ अब्बा तेरे अपने खर्चे के लिए थोड़े पैसे दे देते। पैसे? यह है दस। दस ही अप्पा बस? बस दस ही रख ले, नहीं थूक लगा के हेप्टा मारूंगा। सुन सुन बेटे सुन। हाँ अप्पा। रात मेरे मोबाइल में मैसेज आएगा, एक पढ़ के सुना दे। यार मारे में खुद नहीं पढ़ना था, अब कैसे बताऊँ पढ़ के? अरे अब क्या पता है पढ़ा लिखा अन्य साला ही एक में इससे मरवाता अब्बा। अब्बा। हाँ बेटा।
हमारे गांव के पास पड़े बावली का बाग। हाँ पड़े, उसे मियां खलीफा रही। मियां खलीफा? हाँ। हमारी पड़ोसन वहाँ क्या करना रही? तुम्हारा हमारी पड़ोसन नहीं और फिल्म वाली मियां खलीफा। अच्छा फिल्म वाली? हाँ, मियां खलीफा रही। चलो भाई। वाह यार, कमर के बल जाओ तू। मैं काम करो तुम्हारा, ये पूरा ये जिंदा सुअर छाप पड़ा दू। ये कमर के बल जाओ छाप। ओ गंडिया, सुन 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 सुन, टाइम क्या हो रहा? तब मेरे हिसाब से डेढ़क बज रहा। डेढ़क बज रहा यार, मां भी जाना तैयार हो गए। खलीफा किधर को आ रही गंडिया? बाबा तेरा किसने चूतिया तनी वाला आ गया? चूतिया नहीं, चूतिया तू बना रहा। बाबा फिल्म मारा मैं खलीफा तो जंगल में चले जाएगी। क्यों रे साले, मैं लड़के ने चूतिया ही बना दिया, उसे देखूंगा घर जाके। लड़किया स्कूटरी रोकने के लिए चप्पल क्यों घिसती है? इस सवाल का जवाब तुम दोगे बच्चों? बताओ बच्चों। मास्टर जी, क्योंकि ब्रेक्स तो 350 रुपए का आ गया और चप्पल 150 रुपए की आती है, तो मैं 200 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए लड़की चप्पल घिसती है। वाह बेटे, तू खड़ा हो जा चतुर्पाल सांडू सिंह, खड़ा हो। कौन सा पक्षी आसमान में सबसे तेज उड़ता है बताओ? मास्टर जी, सबसे तेज जो उड़ता है वो हाथी होता है। नाला है, तेरे पापा जी क्या करते हैं? मास्टर जी, मेरे पापा ना बाहु की गैंग में शूटर है। बेटे बैठ जा, बैठ जा, चला चल। बच गया भाई, कम खराब हो जाता है। सांसद पर सही है भाई, हाथी लिखो हाथी। अरे तू अपने कुछ साथ कितने चल रही है, मैं टिकल नहीं।
मास्टर ने यार दिमाग खराब कर रखा है, एक तो शादी की टेंशन, एक मास्टर की टेंशन। हाँ एक मास्टर से वाला पूछा हगीस वाला हो, हाँ तो बच्चे की टट्टी साफ कर रहे हो। हाँ तुझे एक बात भी तो बतानी। कौन सी? चल बताऊं। बात ये है, मेरा बन है, मेरा रिश्ता तय कर दिया, 10 के बाद शादी है। रिश्ता? हाँ रिश्ता, जिससे मेरा रिश्ता हो रहा मॉल है, मॉल मॉल। तू भी करा ले शादी। अरे यार शादी अभी तो अब्बा मंडा नहीं भर रहा पूरा, तो रणवाई मरेगा। अबे सुब सुब बोल ले, जब तो लूंगी उठा दे अपने अब्बा की, क्या आज ही करवाना रिश्ता? तू सही कह रहा, आज देखिए घर में क्या ड्रामा होगा। सही कह रहा, चल चल। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाई घर को सुनिए और भैया। हाँ जी। तुझे जब नु कहा था कल को स्कूल नहीं है, कैसे आया तू? मुझे मना कर रहे, स्कूल नहीं है, डिप्टी साहब आ रहे हैं, लड्डू ला रहे हैं खाने को, खाने के टाइम पे मुझे मना कर रहे हैं। बच्चों आज हमारे स्कूल में डिप्टी साहब आए हुए हैं और वो बस क्लास में आने ही वाले हैं। बच्चों मेरी बिल्कुल भी बेइज्जती ना करवा दे। देखो जो डिप्टी कौन है बेटे, पेपर से पहले तुम्हारे से वे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस उनका करेक्ट करेक्ट आंसर देना है तुम्हें। हाँ जी, ये मास्टर जी बताओ वो भोपाल आया। भोपाल आ गया? हाँ यार उसर मैंने मैंने करी थी कि डिप्टी साहब आवेगा उसको पता, और तू ऐसा कर उसे फलेस में बंद कर दे। मास्टर जी तुम्हारी आई बेइज्जती करवाऊंगा। बेइज्जती पक्की होगी डिप्टी साहब के सामने, उसे तू मैं क्या करा फलेस में बंद कर दे बस। ठीक है मुंह बांध दो या जान से मार दो? मुंह बांध दे, गला बांध दे, कुछ ही बांध दे, बस बंद कर दे। ठीक है मास्टर जी।